सो हाय फैंस, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, Realme 2 Pro में हम Android 10 इंस्टॉल करेंगे। सो आज हमने Realme 2 Pro में Android 10 यहां पर इंस्टॉल कर लिया है। सो फैंस, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा Android 10 इंस्टॉल करने के बाद क्या क्या डिवाइस में यहाँ पर चेंजेस हुए हैं और डिवाइसेस की परफॉर्मेंस यहाँ पर कैसी हुई है। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको मालूम चलेगा। तो चलिए फैंस, बिना रुके करेंगे इस वीडियो को स्टार्ट। स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि हम ऐसी वीडियोस आपको डेली फ्यूचर्स में देते रहेंगे। और इस वीडियो को लाइक कर देना और साथ में जो बेल का आइकन आएगा उसको ऑल पर क्लिक करना, ताकि हमारी जो नेक्स्ट फ्यूचर्स की वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। सो चलिए फैंस, करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। सो फैंस, सबसे पहले आप ये देख लीजिए, ये रही इसकी होम स्क्रीन की लुक। आपको सबसे पहले सेटिंग्स ओपन करके अबाउट फोन में आप देख लीजिए Realme 2 Pro, और यहाँ पर आपको बता भी दूं Realme 2 Pro। उसके बाद आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, और यहाँ पर आपको और फैंस यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एंड्रॉयड वर्जन। इसके ऊपर टैप करेंगे तो आप देख लीजिए एंड्रॉयड वर्जन आपको 10 देखने को मिलता है। इसके ऊपर टैप करेंगे तो ये देखिए एंड्रॉयड 10 आपको यहाँ पर देखने को Realme के 2 Pro में हमने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया है। पहले आपको फीचर्स के बारे में बता दें, उसके बाद आपको बताएंगे आप इसको कैसे इंस्टॉल करें। सो फ्रेंड्स, ये देख लीजिए एंड्रॉयड 10, और अक्टूबर का आपको सिक्योर डिवाइस देखने को मिल जाता है। गूगल प्ले सिस्टम अपडेट एंड्रॉयड 10 की ओर बेस है, और ये सब यहाँ पर उसके फीचर्स है। बात करें होम स्क्रीन की, तो आपको कुछ इस टाइप की यहाँ पर होम स्क्रीन देखने को मिलती है। सो फ्रेंड्स, ये देखिए कुछ इस टाइप की आपको यहाँ पर ये होम स्क्रीन देखने को मिलती है। होम स्क्रीन के बाद आप देख लीजिए यहाँ पर आपको ऊपर नीचे से स्लाइड करेंगे तो आपके यहाँ पर ऊपर जो ऑल एप्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। नोटिफिकेशन पैनल आपको कुछ इस टाइप का देखने को मिलता है। यहाँ पर सेटिंग्स में चलें तो सबसे ऊपर आपको नेटवर्क एंड सेटिंग इंटरनेट कनेक्शन देखने को मिल जाती है। हॉटस्पॉट, वाईफाई, जियो नेटवर्किंग, ऑल इज थिंग वर्किंग। आपको एक बार जियो के नंबर से कॉल करके भी यहाँ पर कन्फर्म करवा दूं, 198 ओके। तो आप देख लीजिए यहाँ पर हमने कॉल की, जैसा कि आपने यहाँ पर देखा जियो का वोल्ट भी यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। और आपको बता दें यहाँ पर सेटिंग्स में, तो सेटिंग में नेटवर्क आपको ये ब्लूटूथ हॉटस्पॉट बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। ब्लूटूथ यहाँ पर ऑन है, फ्लैश लाइट यहाँ पर आपकी वर्क कर रही है, ऑटो टेज, मोबाइल डाटा, ऑल इज थिंग यहाँ पर आपका वर्क कर रहा है। तो देखिए मोबाइल डाटा हमने ऑफ कर दिया, ये टर्न ऑफ हो चुका है, ऑल इज थिंग यहाँ वर्क कर रहा है। ऐप एंड नोटिफिकेशन में जाएं तो आपको यहाँ पर आपने स्क्रीन ऑन टाइम, ऐप की जो भी आपकी एप्लीकेशन की पूरी नोटिफिकेशन, आपने कितने टाइम ओपन की, क्या कब कब ओपन की, और क्या क्या कितना पूरा टाइम आपने वहां पर ओपन रखी, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। ऐप आगे की सेटिंग्स की बात करें तो सेवरिक का सेटिंग्स आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर कुछ कस्टमाइजेशन इस रॉम में आपको देखने को मिलती है, जो कि सेवरिक के ओएस में देखने को मिलती है। जनरल ट्रिक्स में आप यहाँ पर वेक ऑन चार्जिंग पर अपने वॉइस को वेक कर सकते हैं। बटन्स में आप यहाँ पर प्लेबैक, वॉल्यूम रॉकर, और यहाँ पर वॉल्यूम रॉकर के वेक, तो आप ये ऑन है वॉल्यूम रॉकर वेक हमारा यहाँ पर ऑन है। अपने डिवाइस को ऑफ करेंगे, वॉल्यूम बटन को दबाएंगे तो यहाँ पर आप देख लीजिए आपका डिवाइस यहाँ पर वेक हो गया। उसके बाद आपको बता दूं इस कस्टम रोम का जो बग है उसमें आपका जो ये फिंगरप्रिंट है ये काम नहीं करता। हमारा फिंगरप्रिंट यहाँ पर देख लीजिए काम नहीं कर रहा है। इसके अंदर ऑप्शन ही नहीं मिलती फिंगरप्रिंट सेट करने की, तो क्या करें, आपका यहाँ पर ये काम नहीं करता। और भी आपको यहाँ पर सिंगल टैप बटन्स की नोट सब कुछ यहाँ आपको देखने को मिल जाता है। लेकिन एक जो अच्छी बात लगी, पावर मेन्यू का कस्टमाइजेशन, आप यहाँ पर अपने जो पावर का मेन्यू है उसमें इतने सारे फीचर्स यहाँ पर रख सकते हैं। पावर, रीस्टार, स्क्रीन लाइट, फ्लैश लाइट, एयरप्लेन मोड, सेटिंग, लॉकडाउन, यूजर्स लॉगआउट। तो हमने यहाँ पर ऑन करें तो अब ऑन किए हैं, अब हम अपने पावर बटन को यहाँ पर दबाते हैं तो आपके सामने देख लीजिए यहाँ पर सभी ऑप्शन ये आ चुकी हैं। बात करें अगली सेटिंग्स की, तो अगली सेटिंग्स में आपको जो देखने को मिलता है बटन्स की हो चुकी है। डायलर की, आप डायलर की वाइब्रेशन, कनेक्शन, फ्लैश लाइट की यहाँ पर कुछ सेटिंग्स कर सकते हैं। अगली इसकी पैनल में आप अपने नोटिफिकेशन जो आपका पैनल है इसमें आप चेंजेस कर सकते हैं, कस्टमाइजेशन करते हैं। ब्राइटनेस लाइट अराउंड बॉटम, आपको ब्राइटनेस लाइट अराउंड बॉटम यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर किया लेकिन मेरे ज्यादा ट्राई नहीं कर रहा है। हमने यहाँ पर धुकिया नोट पैनल्स में, स्टेटस बार में जाएं तो हाइड एरो आप यहाँ पर कर सकते हैं, शॉर्टेज, स्टेटस बार, आइटम्स, सब कुछ आपकी यहाँ पर आइटम्स शो होंगे जो आप करना चाहते हैं। नोटिफिकेशन पैनल में आपके हैंड्स, बैडनेस, स्लाइडर, सब कुछ यहाँ पर शो होंगे। लॉक स्क्रीन में आप इसका भी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं, लॉक स्क्रीन, शॉर्टकट क्या आप रखना चाहते हो, राइट, लेफ्ट,
फिंगरप्रिंट ऑथराइजेशन यहाँ पर तो आपको मिलते हैं ये वाले, पर आपको वहाँ से सिक्योरिटी में ये देखने को नहीं मिलता। वेदर का स्टाइल भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। बात करने अगले तो गैश्चर आपको यहाँ पर भी स्वैप राइट लेफ्ट गैश्चर देखने को नहीं मिलते, सिंपल से आपको गैश्चर देखने को मिलते हैं। अवार्ड सर्व का सेटिंग टीम जो है यहाँ पर इनका पूरा आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिल जाती है। बैटरी की बात करें तो भाई बैटरी बैकअप इसमें आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा क्योंकि एक स्टॉक एंड्रॉयड स्टॉक रोम है। साउंड्स की बात करें तो आपको ये कुछ साउंड यहाँ पर देखने को मिलते हैं, वाइब्रेशन ऑन कॉल्स ऑप्शन देखने को मिलते हैं और आपको यहाँ पर MI साउंड एनहांसर क्वालिटी भी देखने को मिल जाती है। सो ये देखिए आपको बता भी मिड, बट मेरे को लगता है ये यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है। साउंड में चलें तो ये देखिए MI साउंड एनहांसबिलिटी जो है यहाँ पर ऑप्टिमाइज ऑडियो क्वालिटी यहाँ पर वर्क नहीं कर रही है आपके इस डिवाइसेस में। ये आपको एक और बग देखने को मिलता है। और फिर से चलें सेटिंग साउंड में तो यहाँ पर साउंड में आपको बहुत सारे सीन शॉट साउंड यहाँ पर बहुत सारे साउंड आपको नए नए देखने को मिल जाते हैं। सो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो मैं जल्दी जल्दी से आपको बताता हूँ उसके फीचर्स। साउंड में आपने देख लिया, स्टोरेज में आपको कुछ वही पुराने का पुराना, प्राइवेसी में आपको यहाँ पर प्राइवेसी मैनेजर एड्स के ऊपर अगर आपको एडवर्टाइजमेंट चाहिए नहीं तो आप उनको बंद कर सकते हैं। अकाउंट्स में आप यहाँ पर अकाउंट्स ऐड कर सकते हैं, गूगल अकाउंट जो आप अकाउंट करना चाहते हो। लेकिन सिक्योरिटी में जाएं तो आपको सिर्फ यहाँ पर देख लीजिए कहीं भी फिंगरप्रिंट का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है। आप यहाँ पर टिक कीजिए या यहाँ पर टिक कीजिए, यहाँ पर अपना पैटर्न लगाते हैं तो भी हमें यहाँ पर वो ऑप्शन देखने को नहीं मिलता फिंगरप्रिंट का। तो इसमें ये बग है, फिंगरप्रिंट आपका यहाँ वर्क नहीं करेगा। एक्सेसिबिलिटी में आपको यहाँ पर बहुत सारे फीचर डार्क थीम देखने को मिल जाती है, यहाँ पर आपका डिवाइस डार्क मोड में चला गया। कलर एनिमेशन रिमूव एनिमेशन का फीचर्स आपको बहुत सारे फीचर्स यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। डिजिटल वेलबींग भी इसमें आपके यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है, कोई बग इसमें देखने को नहीं मिला। सिस्टम में आपको वही यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन सब कुछ पुराने का पुराना ही है, लेकिन आपको यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में ये फीचर नया देखने को मिलता है मेमोरी का, कितनी मेमोरी उसने यूज की और कब यूज की। तो फ्रेंड्स ये रही डेवलपर ऑप्शन और अबाउट फोन मैंने आपको बता दिया। तो अब आपको बताते हैं इसकी पूरी इंस्टॉलिंग प्रोसेस। इंस्टॉल करने के लिए फ्रेंड्स आपको बता दूं, सबसे पहले आपको अपने डिवाइसेस को रिकवरी मोड में ले जाना है, रिस्टार्ट कर दें या फिर यहाँ पर आपको रिकवरी के ऊपर चल जाए तो एक रिबूटिंग टू रिकवरी हमारा डिवाइसेस ऑटोमेटिकली या रिकवरी के ऊपर यहाँ पर आप देखना बूट हो जाएगा। थोड़ा टाइम वेट कीजिए, अब ये रिकवरी के ऊपर यहाँ पर बूट हो जाएगा। देखिए रियलमी पा रही है बूटलोडर का यहाँ पर हमें आ चुका है कंडीशन, अब ये रिकवरी के ऊपर बूट करेगा। देखिए R2X2 की रिकवरी मैं रिकमेंड करूंगा क्योंकि मैंने भी इसी के ऊपर यहाँ पर इंस्टॉल किया है। इसके बाद आपको यहाँ पर सिंपली कुछ नहीं करना है, सिंपली आपको यहाँ पर जो नीचे दिख रहा होगा स्वाइप टू अलाउ मॉडिफिकेशन पर क्लिक कर दें। अब आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, आपको वाइप कर जाना है, एडवांस वाइप के ऊपर जाना है, डालवे चेक डाटा और सिस्टम और वेंडर को इनको आपको सिलेक्ट करना है, इंटरनल स्टोरेज माइक्रो SD कार्ड और USB OTG को आपको सिलेक्ट नहीं करना है, स्वाइप टू वाइप कर देना है। वाइप करने के बाद आपको इनको जैसे वाइप हो जाएंगे बैक आने के बाद आपको यहाँ पर करना है इंस्टॉल के ऊपर क्लिक करें और आपने जहाँ पर भी उन रोम फाइल को रखा है जो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है वहाँ पर आपको सेव कर लेना है। इसके ऊपर क्लिक करें, ओके करें। ओके करने के बाद आपको बता दें सबसे पहले आपको जो सर्विक का OS है इस रोम को फ्लैश करना है, तो इसको फ्लैश करेंगे ये किया और यहाँ पर आप स्वैप टू कन्फर्म फ्लैश कर देंगे। इसको फ्लैश करने में फ्रेंड्स थोड़ा टाइम लग सकता है तो वेट कीजिए, वीडियो को पॉज करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स आप यहां पर देख लीजिए ये हमारी जो कस्टम रोम की एंड्रॉयड 10 की फाइल है यहां पर इंस्टॉल हो चुकी है। उसके बाद आपको बैक करना है और आपको जो प्रीमी इजवर की फाइल है इसको यहां पर फ्लैश कर देना है। ये थोड़ी सी है, इसको फ्लैश होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये फ्लैश होने में ज्यादा से ज्यादा 1 मिनट ज्यादा से ज्यादा ले लेगी। जब तक ये फ्लैश होती है अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और बेल के आइकन को दबा लेना और उसको ऑल पे कर लेना ताकि हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमेशा पहुंचती रहे। तो फैंसी डे भी हो चुकी है, अब आपको यहाँ पर बैक करना है और बैक जाना है और आपको डिवाइसेस को रिबूट करना है फिर से रिकवरी के ऊपर स्वैप टू इंस्टॉल TWRP ऐप। यहाँ पर आपकी R2X2 है लेकिन यहाँ पर आपको TWRP रिकवरी बताता है। तो फिर से आ चुका है यहाँ पर स्वैप टू अलोन मॉडिफिकेशन करें, अब फिर से इंस्टॉल के ऊपर जाएं, सिलेक्ट स्टोरेज करें जो मैंने आपको पहले प्रोसेस बताया था। ओके, अब आपको यहाँ पर आपके जो मैजिक्स हैं ये आपको फ्लैश करना बहुत ही जरूरी है, अगर आप इनको फ्लैश नहीं करोगे तो डिवाइसेस आपका ऑन नहीं होगा, ये बूट लूप के ऊपर ही रुक जाएगा। स्वैप टू कन्फर्म फ्लैश करें, अब ये फ्लैश हो गए जिनमें आपको ज्यादा टाइम देखने को नहीं मिलेगा। तो फैंस ये देखिए यहाँ पर आपको रिपैकिंग बूट इमेज सब कुछ आपके यहाँ बूटिंग करेगा जो आपके डिवाइसेस को
एंड्रॉयड 10 के ऊपर रन करने के लिए प्रोसीजर चाहिए। तो ये डन हो चुका है। अब आप सिंपली रिबूट सिस्टम के ऊपर टैप करें, स्वैप टू इंस्टॉल टीयर व्यू आप रिकवर करें और ये रिबूट हो जाएगा आपका। पहली बार में अगर नहीं होता है दूसरी बार ट्राई कीजिए, क्योंकि मेरा पहली बार जो मैंने किया था तो नहीं हुआ था, फिर से वापस होके पावर ऑफ हो गया था, लेकिन जब दूसरी बार ऑन किया मैंने तो ये ऑटोमेटिकली वहां पर रन कर पड़ा एंड्रॉयड 10 हैविक सॉरी सेवर या ओएस के ऊपर। तो वेट कीजिए, रियलमी पार्ट बाय एंड्रॉयड तो लिख चुका है, अगर हो जाता है तो अच्छी बात है, फ्रेंड्स बूटलू पे ऊपर आ चुका है। अब ये दूसरी बार यहाँ पर खुद ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑन हो जाएगा, आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा एक लोगो जो इस कस्टम रोम ओएस का है। तो वेट कीजिए, सो ये देखिए आपको यहाँ पर लोगो देखने को मिला, मतलब कि आपका डिवाइस यहाँ पर बूट किया गया। तो आपको बता दूं अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम होगी इस कस्टम रोम को इंस्टॉल करने के लिए तो मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना इंस्टाग्राम के ऊपर, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, या हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहां पर आपको पूरी इस की जो इंस्टॉलिंग प्रोसेस है उसके रिगार्डिंग एक आपको टॉपिक वहां पर दे दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।